और मेरे को पता है जब हम बोले हैं कि हो इंडस्ट्री नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत लोगों का वाट लगा है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि पूर्ति को अभी मतलब पीछे हटाना मुश्किल है, और इसी को आधार करके अभी माइंड गेम खेला जा रहा है, मेरे साथ दबाव डाला जा रहा है। जुड़ी को आलिंग बाबू टेलो स्टार आलिंग पाए थे जोर गए। तो पिछले कुछ दिन ही थे मतलब कि पूर्ति स्टार तक इन्हें साथ जो भी घटना घटा होता ना, तो इन चीज वीडियो रे यहाँ पे के दिखाते हैं। मैंने भरपूर कोशिश मिला कि हर ऑडियंस के पास न्यूज पहुंचना चाहिए कि आखिर हम लोग का हो इंडस्ट्री का सिंगर के साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो नेडे जो भी जे डांडम स्टार सबन वो आदान गया सबन को हो इंडस्ट्री जो भी दूरेंगो को बाई इतने वीडियो को बाई इतने निपा पूर्ति स्टार तक किनो मिना किना किनो वीडियो को किन बाई इतने तो बारन किन सेम लाइन रे मिना किने, लेकिन फिर भी एक दूसरे के जो नजरिया मिना लेते हैं जुक्का लेकर इटाना होता है सेंतना। जैसे कि डांडम स्टार पूर्ति स्टार के खिलाफ रे वीडियो बाई करे जो तुरंग के अपे ललके रे पे आप यो बढ़िया का पे आदाया, और उसके जवाब में जे वीडियो डांडम स्टार तक इन भाई कड़े इन वीडियो रे जवाब रे पूर्ति स्टार तक ना वीडियो किन भाई कड़े, तो नैन बीच रे पूरा वीडियो तो कबू ले ले, फिर भी मेन पॉइंट कुछ पॉइंट इन कलेक्ट किए थे जुगाव कड़ा मैन दो इन पॉइंट वो ले लिया। उसके बाद पता चला हुआ कि कौन अच्छा है कौन खराब है, छोड़ो खराब और अच्छा रे काजी के आगे, लेकिन हाँ सच और झूठ क्रिया पता जरूर लगा हुआ। तो मार जुड़ी को वीडियो वो ले लिया, तो इन टाइम आप आगे फैसला और अभी तक जो भी वीडियो रे सपोर्ट नमा करना चाह एन इस पूरा फुल विश्वास के साथ इनका जितने कि पूर्ति स्टार तक ने सपोर्ट रे ने दुनिया वाला को एकदम पॉजिटिव सोच के साथ आपको सपोर्ट कर मिया। लेकिन हाँ डांडम स्टार तक ने जगह आयु कहते इनका अदा होता ना कि जो इंसान पॉजिटिव सोच रख करके पूर्ति स्टार को सपोर्ट करना चाहता है अगर डांडम स्टार जी का वीडियो देख लेगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि वो डांडम स्टार का फैन है। ठीक है, तो इसमें हम किसी को भड़काने वाला काम नहीं कर रहे हैं फिर भी, लेकिन इंसान का सोच कम से कम कुछ तो अलग होना चाहिए। अच्छा सोच रखोगे अच्छा ऑडियंस जुड़ेगा, अच्छी दोस्ती होगी, अच्छा पहचान बनेगा। भाई हालात कुछ भी लिख दोगे गलत सलत बोल दोगे तो कौन अच्छा बोलेगा, चलिए आप लोग खुद वीडियो ने ले पे पता चला। चलो ओके कोई थोड़ा कोई मैं नाम था ना हम सिंगर था नम कोई दुमका हम था ना कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करो बार बार दो बार तीन बार उबाता ना साथ रहे कॉल रिकॉर्डिंग डाला है मैं। ये जो भाई साहब बोले कि जो नंबर में कॉल आया था उसी नंबर को वीडियो में डालना चाहिए, अच्छा ठीक है। कुछ सपोर्टर फोन किए थे मेरे को, ठीक है क्यों नहीं डाले हम नंबर क्यों नहीं डाले वीडियो में, ये बात पहले हम रिवील कर लेते हैं। कुछ ऑडियंस फोन किए थे मेरे को, वो लोग बोल रहे हैं पूर्ति भाई नंबर शेयर कर दो हम लोग ढूंढ के निकालेंगे उसको और अपना तरीका से समझाएंगे, मतलब समझ रहे हैं आप अपना तरीका मतलब समझ रहे हैं ना। मान लो किसी को मिल गया वो आदमी और उसके साथ कुछ हो गया तो बीच में फंसेगा कौन, हम फंसेंगे। इसीलिए वीडियो में जो चीज़ शेयर करना चाहिए जितना शेयर करना चाहिए वही चीज़ हम शेयर की, और जो नंबर है ये नंबर हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। शेयर करेंगे तो सिर्फ पुलिस के साथ प्रशासन के साथ शेयर कर सकते हैं, और प्रशासन के अलावा हम किसी को नंबर देना नहीं चाहते। हो को बीयू नाम लगे हो को उल्लू भाई रे तो का चा बाबा। अभी देखा जाए तो हो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा व्यूज मेरे चैनल में आ रहा है, सबसे ज़्यादा इनकम हम ही कर रहे हैं हो इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी मेरा है, सबसे ज़्यादा प्यार मेरे को दे रहा है इंडस्ट्री वाला जितना भी हम लोग का पब्लिक है। इतना कुछ पाने के बाद जो वीडियो में दिखाया गया कि भाई व्यूज के लिए कर रहे हैं, ठीक है व्यूज के लिए कर रहे हैं, इतना अच्छा व्यूज आ रहा है 5 लाख 7 लाख भाई करोड़ों में गया है हम लोग का, ठीक है
3 करोड़ होने वाला है एक वीडियो, और एक वीडियो है 1.2 करोड़, मतलब समझ सकते हैं आप लोग जो चीज़ करोड़ों में जा रहा है, 1 लाख व्यूज के लिए हम चुतिया बनाएंगे पब्लिक को। आप लोग का जो प्यार है, आप लोग का जो सपोर्ट है, उसी को हम अपना 2-4 पैसा के लिए, मतलब आपका जो भरोसा है उसको तोड़ देंगे हम। इन्हें तीन नियम कटा अनोन नंबर थे फोन उजुलना। कौन चुतिया है साला कि बिना आधार कार्ड बिगर पेरेंट्स से सिम कार्ड एम तन अनोन नंबर ना बता अंतना डिजिटल इंडिया चलाओ करना। बिना फिंगर बिना अंगूठा कम दबाए तो सिम कार्ड कम नमी है, बिना आधार कार्ड कम नमी है। नंबर डायल करो तुरंत, अभी इतना ये मीना अच्छी अब गूगल रहे तुरंत नंबर डायल सुरता अमा आया पूरे प्रूफ ले लो अच्छी ओके सिम कार्ड ओके या नुतुम तो लगना पूरे नाम अनोन नंबर हो ही नहीं सकता आदमी को चुते बनाने से तो होगा। वीडियो में बोला गया है कि पूर्ति स्टार सबको चुतिया बना रहे हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं भाई, जो भी ये वीडियो बनाया है ठीक है, पहले तो आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आई थिंक आपका नाम उतना बना है नहीं बना है वो तो दूसरा बात है, लेकिन आप भी एक आर्टिस्ट हैं। और एक आर्टिस्ट दूसरा आर्टिस्ट को ऐसा लैंग्वेज में बोलता है, ऐसा ही जो देता है, ऐसा रेस्पेक्ट देता है, चुतिया बना रहा है और बोलने का उंगली दिखा के बोल रहे पूर्ति चुतिया नहीं बनाना है। ये क्या तरीका हुआ भाई बोलने का? हम तो कभी किसी को ऐसा बोले नहीं है कि हम किसी को कभी ऐसा मतलब उंगली दिखा के हम बोले नहीं कि भाई दंडम सर तू ऐसा गलती कर रहा है तेरे को ये नहीं करना है। ये क्या है भाई, हम लोग को पता है हम लोग आर्टिस्ट हैं भाई, एक ही प्लेटफॉर्म का है। पर नहीं, प्रॉब्लम तुम लोग को और है। हाँ अरे आकिने निमिन ये को मिना को व्यूअर्स को मिना को निमिन फाइन को मिना को निमिन दुरेन तकिन चलाओ तना एंदम कॉल रिकॉर्डिंग वायरल तम उदु बेकम गोंदेम तना को सारी के चिका। प्रूफ का बात बोला जाए तो वही रीजन था कि इसीलिए हम वीडियो में नंबर नहीं डाले। और बात आया रिकॉर्डिंग का, ठीक है रिकॉर्डिंग का, आप लोग मेरा आई थिंक आप लोग जो मेरा जोहर नाइट में वीडियो शूट हुआ था ठीक है, स्टेज में जो वीडियो शूट हुआ था वो वाला वीडियो भी आप लोग देखे होंगे कि हर टाइम अगर हम कहीं जाते हैं तो मेरा गला में ब्लूटूथ का ईयरफोन रहता है। जो भी देखा है वो ज़रूर मतलब याद करिए आप लोग। और उस दिन भी ऐसा हुआ था, हम ड्राइविंग कर रहा था ठीक है, मोबाइल पॉकेट में था और जो बातचीत हुआ हम लोग का इतना भी लेट नहीं था, मतलब आई थिंक वही 2 मिनट 2.5 मिनट आसपास का हम लोग का बातचीत हुआ। और ड्राइविंग कर रहा था उस दिन और कान में ईयरफोन लगा हुआ था ठीक है। और रिकॉर्डिंग का बात अगर किया जाए तो कान में अगर ईयरफोन लगाए हैं ड्राइविंग कर रहे हैं, मेरे को क्या पता हर दिन मेरे पास 500 कॉल आ रहा है ठीक है, मेरे को क्या पता कौन कॉल कर रहे हैं। अब मोबाइल तो पॉकेट में है ना भाई, ब्लूटूथ में तो नहीं दिख रहे, तो ब्लूटूथ अगर लगाए हैं रिकॉर्डिंग कब करेंगे? अगर मान लो मेरे को कोई माँ बहन का गाली दे रहा है तो हम उसके साथ गाली गुलज करेंगे कि पहले रिकॉर्ड करेंगे? आप लोग ही बताओ। और इतना सडनली हुआ ये चीज़ कि मतलब मेरे को तो आई थिंक बोलने का बहुत कम चांस मिला, आई थिंक वो लोग 2-3 लोग थे जो कि बोलने का चांस ही नहीं दे रहे हैं, बस बके जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, ये गलती है मेरा, हम मान रहे हैं आप लोग का बोलने का हिसाब से ये मेरा गलती है कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, रिकॉर्ड का प्रूफ नहीं दे पा रहे ठीक है, ये मेरा गलती है हम मान रहे हैं। लेकिन भाई जब संताली इंडस्ट्री से इतना कोई कॉल करके सपोर्ट कर रहा है, हो इंडस्ट्री से इतना कोई कॉल करके सपोर्ट कर रहा है, बोल रहे पूर्ति बाबू तुम डटे रहो अपना जगह से हिलना मत हम लोग साथ में हैं, सब लोग जब ऐसा बोल रहे हैं तो भाई आप बीच में आके क्यों मेरे ऊपर अभी मैंने पब्लिक को भड़का रहे हैं? और दंडम भाई यार आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास भी आपका नंबर है,
वीडियो अपलोड करने के पहले करने से पहले आप एक बार पूछ ही लेते मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पूरा मांजरा पहले समझ लेते क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बाद आप वीडियो डालते। इंडस्ट्री हो इंडस्ट्री जब पूरा साथ दे रहा है, आप बीच में आके पब्लिक को मेरे खिलाफ करवा रहे हैं। लेकिन पब्लिक इतना चुतिया नहीं है, कौन सही है कौन गलत है पब्लिक खुद डिसाइड करे। एता अनोन नंबर में कड़ा आज बिल्कुल अंज ना कन मना थिंग चानो नंबर आज आजकल ना बरसे अनोन नंबर होगा ही नहीं, बिना टेपा मराओ कहते बिना आधार कार्ड दे सिम कार्ड होल लेके का होला इने तनो नंबर में दो कुल्लू बाय कर दो बाबा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है? और एक बात दानम भाई, कल कॉल किए थे आपको तो आप बोल रहे हैं वो नंबर मेरे को पर्सनली चाहिए, पर्सनली भेज दे, विश्वास है कि नहीं? हम लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, विश्वास तो करते हो मेरे को, भरोसा करो मेरे ऊपर। भरोसा कैसे करें भाई जब अपना आदमी पीठ पीछे छोरी घोंप रहा है यहाँ, तो भरोसा किससे करें, किसको करें भरोसा? आप जो चीज किए अभी आपका चैनल में अपलोड करके जो बोल रहे हैं पूर्ति चूतिया बना रहा है, पहले तो ये व्हाट्सएप क्या है मेरे को बताओ, पहले दो चार व्यूज के लिए बना रहा है वीडियो, उसका वीडियो रैंकिंग में नहीं आ रहा है इसलिए बना रहा है। रैंकिंग में चैनल चेक करो भाई, गलतफहमी में मत रहो तुम, ठीक है? और ना तुमसे मेरा कुछ पर्सनली दुश्मनी है, ना कुछ कभी गाली गुलज किए हैं, अभी तक एक वर्ड भी तूता बेबा करके नहीं बोले हम, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है आपको क्यों? वही चीज़ हम समझ में नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। और आपका बोलने के हिसाब से हम लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके, ठीक है? लेकिन किस चीज़ को लेकर बोल रहे हैं आप कि भाई हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? अगर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ पहले समझ लेना चाहिए था, मेरे को एक बार कॉल कर सकते थे आप, क्या है बात, क्या है मांजरा? इतना लोग फ़ोन करके पूछे मेरे को, आप भी तो कॉल करके पूछ सकते हैं ना। वही बात है, हम बोले अननोन नंबर का, ठीक है? अननोन नंबर का बात आया था, हम बोले कि ट्रू कलर में नाम नहीं आया उसका। अननोन नंबर, अननोन मतलब समझ में आ रहा है ना, ट्रू कलर में नाम आया नहीं बोले, ट्रू कलर में चेक किए ट्रू कलर में नाम नहीं है, तो हम बोले कि अननोन नंबर है। और आजकल रजिस्टर्ड हो ना रजिस्टर्ड हो भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कुछ ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप कॉल कर सकते हैं कि भाई अननोन नंबर जैसा आएगा कॉल, ठीक है? चाहे रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो। तो वही बात है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना कुछ मतलब सच बताएंगे, अगर आप लोग प्रूफ मांगोगे तो हम मेरा जो YT स्टूडियो का है YouTube में कितना अर्निंग कर रहे हैं उसको भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो भाई साहब बोले कि जो नंबर में कॉल आया था उसी नंबर को वीडियो में डालना चाहिए। अब हो को के छुट्टियां बाहर दो बाबा, हमको ऐसा गाली मिल रहा है, अभी पीली मिनिस्ट्री छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, ये कौन सा बात हुआ? आदमी लोग उल्लू बनाओगे, उल्लू बना करके व्यू पाना चाहते हैं। और एक बात देखो, हो इंडस्ट्री जब आए हम, ना किसी को पूछ के आए थे कि भाई इंडस्ट्री में हम आएंगे कि नहीं बोल के, ना किसी को पूछे थे, ना अभी तक कोई मेरे को कुछ दिया है, ठीक है? ना किसी से कभी उधार उधार करके हम बनाए वीडियो, जितना भी वीडियो बनाए हैं, जितना भी अभी तक काम किए हैं, ये जो मेरा पब्लिक है उन्हीं लोगों का पैसा से किए, उन्हीं लोग जब वीडियो देख रहे हैं उन लोग का जो पैसा कट रहा है मोबाइल से उसी पैसा से हम वीडियो बना रहे हैं। और आई थिंक आप भी एक ना एक दिन मेरा वीडियो देखे ही होंगे, आपका भी मोबाइल से पैसा कटा होगा। ये बेकार का चीज़ में काहे पड़ रहे हैं भाई? हाँ जी, नंबर कहीं से कोई नहीं, अननोन नंबर, अननोन नंबर आजकल होता ही नहीं है, बिना
फिंगर की आप सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं, बिना आधार कार्ड से आप सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं। आधार कार्ड बिना रजिस्टर्ड होता ही नहीं है नंबर, फ़ोन नंबर, तो कैसे आप अनोन नंबर बोलोगे, उसका पता नहीं चलता है। कैसे भी करके इसको इंडस्ट्री से निकलना है, लेकिन हम नहीं निकलेंगे भाई, मेरा खुद का दम पे हम चल रहे हैं, ठीक है, खुद का दम पे चल रहे हैं हम। और कुछ कुछ सिंगर हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं हम लोग का इंडस्ट्री का, ठीक है, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड किया कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है बोल के, तब तो वीडियो नहीं शेयर किए वो लोग, तब वीडियो नहीं शेयर किए, पूर्ति प्रॉब्लम में पड़ गया है, एक दिन कॉल करके भी नहीं पूछे। कुछ हैं जो, ठीक है, वो लोग कॉल करके भी नहीं पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है आपका। लेकिन ये जो भाई साहब वीडियो बनाए अभी मेरे खिलाफ, उसी को अभी सिंगर लोग ही शेयर कर रहे हैं, ये बड़ा तजुब का बात है भाई, ये बड़ा तजुब का बात है। जब किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो खिंचाई भी क्यों कर रहे हो भाई। हम तो किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, हम तो खुद को बड़ा स्टार नहीं समझते। पब्लिक का जो प्यार है, पब्लिक जो बोल रहे हैं, पब्लिक का मुंह से आप लोग सुनो। हम तो खुद को नहीं बोल रहे हैं कि भाई हो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा है हम, ये चीज़ बहुत बुरा लगा सच में। और जो बोलने का तरीका है भाई, चूतिया बना रहा है, ये बना, ये क्या हुआ है भाई, नहीं यार दिल से बुरा लगा मेरे को, सच बता रहे हैं। और मजबूरी में ये वीडियो बना रहे हैं फिलहाल, मेरे को इस टॉपिक को लेके आगे नहीं बढ़ना है, मेरे को मेरे काम ऊपर फोकस रखना है। अभी मेरे को पता है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे, अभी थाना पुलिस का चक्कर लगाएंगे, अभी जो मेरा एम है, जो काम में फोकस है मेरा, वो डिस्ट्रैक्ट होगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, प्रॉब्लम होगा उसको फेस करेंगे। और जितना भी मेरा सपोर्टर हैं, जितना भी पब्लिक है मेरा, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद ही डिसाइड करो कि सही कौन है और गलत कौन है, ठीक है। दो दो शकल लेके घूम रहा है इंडस्ट्री में, समझ रहे हैं आप, दो दो शकल लेके घूम रहा है सब कुछ। एक फेस में सब कुछ सही है, दूसरा फेस में भाई बुराई है। ये चीज़ जब तक हम लोग का इंडस्ट्री से ख़त्म नहीं होगा ना, एक दूसरे के ऊपर भाईचारा नहीं रहेगा ना, एक दूसरे के ऊपर जो यूनिटी का बॉन्डिंग नहीं रहेगा ना, तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगा। ये बात कान खोल कर सुन लो, और किसी को नीचे गिरा के आगे बढ़ने का तो सोचो ही मत भाई। हम नहीं बोल रहे हैं आप सोच रहे हैं ऐसा बोल के, लेकिन आपका जो बातचीत से पता चल रहा है ना, आप मेरे को सपोर्ट करते हैं कि आप मेरे को हेट करते हैं, ये चीज़ पूरा पता चल रहा है क्या है मंजर। वही चीज़ था जो कि हम प्रूफ नहीं दिए, और कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना है मेरे को, फिलहाल मेरा जो काम है उसी को फोकस करके हम चल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा आगे, ठीक है। और पब्लिक जितना प्यार दे रहा है, पब्लिक जितना सपोर्ट कर रहा है, उतना ही काफ़ी मेरे लिए। और जितना लोग इंडस्ट्री से फ़ोन किए, संताली दुख की बात है भाई, संताली इंडस्ट्री से फ़ोन करके मेरे को बोल रहे हैं पूर्ति डटे रहो बोल के, पर हम लोग का इंडस्ट्री से ही मेरे को खिंचाई कर रहे हैं भाई, मज़ा आ गया भाई, बिग सैल्यूट। तो यही बात है, आप लोग अगर ये चीज़ अच्छा से कंप्लीट हो, पूरा वीडियो देखें, तो आई थिंक मेरे को लग रहा है आपको पूरा मांजरा समझ में आ गया। और ये चीज़ को लेके हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, बढ़ाने नहीं चाहते ये चीज़, क्योंकि मेरे को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ये चीज़, सच बता रहे हैं। तो ये चीज़ लेके मैं आगे नहीं बढ़ सकता, पर आप लोग को भी पता है कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे को, तो कृपा करके ये चीज़ को बढ़ाया ना जाए, जो होगा देखा जाएगा। और नंबर शेयर करने का बात बोला जाए तो हम ये चीज़ प्रशासन के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है, प्रशासन के ऊपर छोड़ रहे हैं, प्रशासन जो भी करेगा, पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करना चाहता है वो खुद करेगा। आप लोग ठीक रहिए और चिंता मत करिए आप लोग, और जो लोग भाई बोल रहे हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं पूर्ति व्यूज के लिए, ये गलत फहमी दूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही बात बोलना था, और ये सब वीडियो देखें आप लोग, अभी खुद ही डिसाइड करो कि सही कौन है और बुरा कौन, ठीक है, ठीक है। तो ये टॉपिक बढ़ाना नहीं चाहते हम, पहले ही बता दे रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आई थिंक सबको समझ में आ गया, तो ठीक है, सिविल जोहार भाई। क्योंकि ये जो झमला है भाई, ये झमला में मेरे को नहीं पड़ना है, मेरे को पता है कुछ लोग हैं जो माइंड गेम खेल रहे हैं अभी मेरे साथ, दिमाग में दबाव डाल के इंडस्ट्री से बाहर निकालने का सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है बाबू। मेरे को पता है अभी जो केस उस का चक्कर में पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर में पड़ेंगे ना, जो मेरा ट्रक है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद उसी का फ़ायदा और कोई उठाने वाला है। और भाई दांडम,
आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको तो समझ मतलब समझना चाहिए कि कौन सा चीज़ आपका चैनल में डालना है, कौन सा चीज़ नहीं डालना है आपको। आप अगर सिंगर नहीं होते ना भाई, ये बात नहीं बोलता मैं, आप एक सिंगर हो के ऐसा वीडियो डाल रहे हैं जो कि मतलब पब्लिक को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है भाई, ठीक है, भड़काया जा रहा है, पूर्ति चूतिया बना रहा है, ये कौन सा तरीका हुआ?